हाय गाइस, इस वीडियो में हम द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और ये हम इस बुक से डिस्कस करने वाले हैं. ओके, आईसीएससी केमिस्ट्री का ये बुक है, डॉक्टर दलाल सिंप्लीफाइड आईसीएससी. ओके, अब देखिए ये वाला जो हमारा बुक है ये अभी क्लास 9th में फॉलो हो रहा है. ओके, तो इससे हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए चैप्टर 1 पहला हम टॉपिक देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सिंबल. ओके, ये तो देखिए डेफिनेशन बेस्ड है, इसमें तो ज्यादा आपको एग्जांपल मतलब देने की जरूरत नहीं है, इसको हम अभी बुक से ही पढ़ा देते हैं. ओके, अब देखिए सिंबल क्या होता है. अब देखिए ये तो बहुत बेसिक चीज है ना, कि अब किसी भी चीज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आप सोचिए कि अगर आपको हम बोल रहे हैं कि आपने सोडियम लिया, सोडियम, तो अगर आप सोडियम को ऐसे बैठ के लिखेंगे ना, सोडियम लिया, फिर हम बोले कि पोटेशियम लिया हमने ना, तो अब केमिस्ट्री के टर्म्स में तो अब ऐसा तो नहीं कि ना हम लोग को बस स्कूल के लेवल में पढ़ाई करनी है. बात यह है कि हम लोग को तो रिसर्च करना है, आगे चल के रिसर्च करते हैं, तो वहां पे तो हम सोडियम पोटेशियम लिखते रह जाएंगे, टाइम कितना वो होगा वेस्ट. तो इसको हम लिखते हैं NaK. ओके, तो सिंबल क्या होता है, चीजों को इजी कर देता है, ताकि आप आराम से इक्वेशन लिख सके, इजीली सब चीज को रिप्रेजेंट कर सके. ओके, तो चलिए बुक से देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है. देखिए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर का क्या मतलब वो है, मतलब इंपॉर्टेंस. जैसे देखिए अगर हम लोग सोचे कि हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, किसी भी चीज में, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम इंग्लिश का सेंटेंस सीधे बनाना शुरू कर दिए. सबसे पहले तो हमें ना शब्द ABCD पढ़ाया गया, फिर हम उससे धीरे धीरे कंबाइन करके वोवेल कॉन्सोनेंट देखे, फिर वर्ड्स को कंबाइन किए. ओके, उस तरह से फिर हम बात कर मतलब अच्छे से बोलना सीख गए ना, उस तरह से हमें सब कुछ आना चाहिए कि कैसे सिंबल लिखते हैं, वैलेंसी क्या होता है, उसके बाद ही हम फॉर्मूला बनाएंगे. और जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तभी ना हम इक्वेशन बना सकते हैं. ऐसे तो नहीं है कि हम सीधे सीधे इक्वेशन लिखेंगे, हम लोग को पता होना चाहिए किस चीज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, वैलेंसी क्या होता है, सिंबल क्या होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन. ठीक है, तो व्हाट इज सिंबल. देखो सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, यही हमने कहा कि ये शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ द टर्म सिंबल, सिंबल का ये अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, तो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. देखिए सोडियम जैसे हमने एग्जांपल दिया, तो वो उसका एटम को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो सिंबल रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. जैसे S रिप्रेजेंट करता है सल्फर का. ठीक है, ऑब्वियसली हम बैठ के वहां पे SuL, PHUR ऐसे सल्फर लिखेंगे, इससे अच्छा भाई S लिख दो. तो ये है हमारा सिंबल का इंपॉर्टेंस. ओके, दूसरा वाला डेफिनेशन देखिए. ओके, एक चीज आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ये आपने क्लास IGS 8 में पढ़ा होगा, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए. ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, अब देखिए ये वाला सिंबल का दूसरा डेफिनेशन है. ठीक है, अ सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. ठीक है, इट मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट का वेट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. ठीक है, दैट इज इट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन वन एटॉमिक मास यूनिट. मतलब इस 1 AMU से वो वाला एटम कितना हेवियर है, कितना टाइम्स हेवियर है, ये इसका डेफिनेशन हो गया. अब देखिए डेफिनेशन लिखने के लिए तो ठीक है, पर हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. ये तो अगर सोचिए डेफिनेशन आएगा व्हाट इज सिंबल, तो आप ये दोनों डेफिनेशन लिख देंगे. ठीक है, पर आपको सारे का सिंबल पता होना चाहिए. ओके, तो चलिए देखते देखिए. ऑब्वियसली अभी हम लोग जैसे जो जो चीज का मतलब जिस भी चीज पे अभी अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है, या फिर अभी हम लोग को जो चीज पता चल गई है उसे पहले रिसर्च हुआ होगा. ओके, उस तरह से ये जो सिंबल का कॉन्सेप्ट है ना, पहले वो हम सोच रहे थे. अब जैसे जैसे सोचिए जो केमिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम आ रहा था कि अरे कैसे लिखे इसको. तो बहुत शुरू से साइंटिस्ट ने कुछ ने बोला कि इस सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करें, कुछ ने कहा ऐसे, करते करते वो एक नतीजे पे पहुंचे कि ठीक है अब ऐसे करेंगे. तो पहले देखिए डाल्टन थे, डाल्टन की थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी. ठीक है, जो जॉल डाल्टन थे उन्होंने देखिए कैसे बताया कि फिगरेटिव सिंबल बनाओ. ठीक है, ऑक्सीजन का उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने कुछ कुछ ऐसे रूल्स बताए जैसे हमारे नोमेनक्लेचर होता है, वैसे ये रूल बताया कि ऑक्सीजन को ऐसे दिखाओ, हाइड्रोजन को गोल करके एक छोटा सा डॉट करो, सल्फर को ऐसे चार भाग में करो, नाइट्रोजन को हाफ. लेकिन फिर बाद में क्या दिखा ना, अब सोचिए कि हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा काम आसान हो जाए, लेकिन इनके तरीके से तो हमारा काम और मुश्किल हो गया. नहीं तो आपको कितना बुद्धि लगाना पड़ेगा, सोचिए अभी तक तो चलिए सल्फर को आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसे गोल करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, नाइट्रोजन को ऐसे कट करेंगे, इतना टाइम वेस्ट होने से तो ये तो और डिफिकल्ट हो रहा है. इससे तो अच्छा सल्फर लिख दो, अमोनिया को अमोनिया लिख दो. ओके, ये तो और डिफिकल्ट हो रहा है. तो ये बहुत कंबरसम मतलब बहुत टायरिंग जैसा लगा. ठीक है, तो इसको हटा दिया गया. अब देखिए फिर बर्जीलियस आए, मतलब ये डाल्टन का मेथड को हटा दिया गया. फिर बर्जीलियस आए, उन्होंने एक आसान सिस्टम बताया. ठीक है, कि कैसे इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, मतलब जिस हिसाब से, ताकि ये चीज रखिए, अब ये ऐसे कोई रूल बनाना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम सोचेंगे कि ओ हमने बना लिया,
ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए, तो उन्होंने बोला कि ज्यादातर केसेस में, क्योंकि हमें चीजें आसान करना है, हमें डिफिकल्ट नहीं करना चीजें कि और प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने बोला कि ज्यादातर केसेस में जो हमारा जो जो भी सोचिए एलिमेंट है, जैसे कार्बन है तो उसका सी, मतलब ही सेड कि मोस्ट ऑफ द केसेस में द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट ले ले, ठीक है, और उसको कैपिटल्स में लिख ले। और कुछ केसेस वहां अगर सोचिए कि आप सोचिए कि सेम अगर नाम से है कुछ, जैसे कैल्शियम और कार्बन हुआ, तो कार्बन में तो सी ले लिया हमने, अब कैल्शियम में भी सी ले लेंगे, तब तो ऐसा और दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अरे कैल्शियम है कि कार्बन है, और कैल्शियम कार्बन ऐसा तो नहीं कि बहुत आसपास के एलिमेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट, आप आगे आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने कहा कि अगर सोचिए पहला वाला पहले से ले लिया है, जैसे कार्बन सी वाला कार्बन के लिए, तो हम एक और ले लेंगे कैल्शियम के साथ, कैल्शियम का सी ए ले लेंगे, ठीक है। इन केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी अडॉप्टेड, द इनिशियल लेटर इन द कैपिटल टुगेदर विद इट्स स्मॉल लेटर फ्रॉम इट्स नेम वर यूज, देखिए, ठीक है। मतलब कि क्या उन्होंने कहा, देखिए पहले उन्होंने बोला कि कोई भी है उसका, जैसे सोचिए कार्बन था, तो उन्होंने कहा कि अब कार्बन को हम कैसे करें, ये बर्जिलियस ने कहा था, उन्होंने कहा सी ले लो। अब प्रॉब्लम आया, कैल्शियम आ गया हमारे पास, तो अब कैल्शियम को भी सी ले ले, नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये है, तो उसके आगे छोटा वाला लेटर है जो कैल्शियम का, तो ये छोटा वाला लेटर को लेके सी ए बना दो, ओके। तो हमने ऐसे करा, तो इस तरह से अब आपको देखिए ये सब आपको याद करना पड़ेगा ना, सिर्फ ये पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आपने रीड कर लिया हो गया। कॉपर देखिए, अब बात है कि मैम आप कॉपर को तो अरे सीओ ले लो, नहीं, कॉपर को सीओ नहीं लेते हैं, ठीक है, कॉपर को हम लेते हैं सी यू, क्यों, क्योंकि ये लैटिन नेम, अब इसका लैटिन नेम भी आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 8 में ऑल तो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको सब याद करना पड़ेगा, लैटिन नेम ना पता होना चाहिए इतना, कि कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं इसलिए इसका सीयू ले रहे हैं, आयरन को फेरम कहते हैं। आप भी सोचेंगे ना आयरन तो है मैम आई आर लिख लेते हैं, नहीं आई आर नहीं लिख सकते, फेरम से एफ ई, पोटेशियम को के, पोटेशियम का चलिए के है, क्यों, अब मैम आप बोलेंगे मैम पी लिख देते, नहीं पी नहीं लिख सकते ना, कैलियम बोलते हैं इसको, ठीक है, आप अगर लैटिन नेम याद कर लेंगे आपको आ जाएगा। और वैसे भी देखिए इसमें कुछ ना बहुत स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होती है, जैसे ऐसे हम लोग इतना आदत हो जाता है लिखने का ना, हम खुद याद कर लेते हैं, वैसे फिर आपको नहीं सोचने की जरूरत है कि इसका लैटिन नेम क्या है, आपको आदत हो जाएगी। गोल्ड को ऑरम कहते हैं ए यू लिख लो, सिल्वर को अर्जेंटनम कहते हैं ए जी लिख लो, लेड को प्लम्बम कहते हैं पी बी लिख लो, ठीक है, सोडियम को नैट्रियम कहते हैं एन ए लिख लो। हम इतना नहीं सोचते कि सोडियम को क्या कहते होंगे कि मैंने लिखते हैं, हम लोग को धीरे धीरे से, अब अभी आप नाइन्थ में, आप टेंथ में आते थे आपको सब याद हो जाएगा, आप इतना इक्वेशन पढ़ लेंगे ना, आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है किसको क्या कहते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी को हाइड्रोगायरम कहते हैं एच जी, ओके। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, जैसे देखिए कॉपर को हम सी यू से डिनोट करते हैं और लैटिन नेम है क्यूप्रम, ओके। ऐसे हमारा आयरन, उसका लैटिन नेम अरे एफ ई करते हैं और लैटिन नेम फेरम, ओके। पोटेशियम को के देते हैं, लैटिन नेम कैलियम, ठीक है। गोल्ड हमारा, गोल्ड को आप नहीं सोचेंगे मैम इसको जी बोल देते हैं, जीओ बोल देते हैं, नहीं, ठीक है, इसको ए यू से डिनोट करते हैं, ऑरम, ओके। अब देखिए जो रूल है इस तरह से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आप देखेंगे आगे चल के आपको सब याद हो जाएगा, ओके। इसको ए आर, ए जी आर ने ए जी अर्जेंटिनम, ठीक है, लेड प्लम्बम से पी बी, ओके। सोडियम हमारा, सोडियम को तो आप एकदम जानते होंगे ना, एन ए, ठीक है, नैट्रियम से आता है, ओके। मर्क्यूरी जो हम हमारे थर्मोमीटर में यूज करते हैं, इसे हम एच जी से डिनोट करते हैं, आप देखेंगे ना मर्क्यूरी ने लिख के देता है इक्वेशन में, एच जी लिखा होगा, ओके। इट कम्स फ्रॉम हाइड्रोगायरम, ओके, हाइड्रोगायरम, ओके। ये कुछ लैटिन नेम्स है। अब देखिए आपको, ऑल दो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, पर आपको लैटिन नेम्स भी याद रहना चाहिए, ठीक है, ओके, क्योंकि आगे चल के आपको केमिस्ट्री अभी तो 12th तक पढ़ना ही है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी, ओके। वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, देखिए वैलेंसी बेसिकली होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एटम विद अनदर, या फिर वन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट, ठीक है। अब बात है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप देखिए कि केमिस्ट्री में मतलब फंडा क्या है बेसिक, हम लोग जो भी पढ़ते हैं मतलब हर चीज, इवन हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग स्टेबल हो जाए, आप लोग पढ़ रहे हैं आप भी चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाए, हम भी चाहते हैं, ऐसे केमिस्ट्री में जो हमारे एटम मॉलिक्यूल सब चाहते हैं ना स्टेबल होना, एटम्स चाहते हैं कि भाई वो स्टेबल हो जाए ऐसे भी होगा, ठीक है। तो उनका बैलेंसी उस हिसाब से होता है, ओके। वो सोचते हैं कि अगर ठीक है किसी चीज के साथ कंबाइन करके अगर हम स्टेबिलिटी पा लेते हैं तो ठीक है हम स्टेबल हो जाएंगे। जैसे चलिए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको एक चीज तो पता है कि आउटर मोस्ट शेल में मतलब इनके दो कॉन्सेप्ट होता है, ऑक्टेट और डुप्लेट का,
ठीक है, तो अगर स्टेबल स्टेट एक्वायर करना है तो हम आउटर मोस्ट में या तो 8 चाहते हैं तो 2 चाहते हैं, 2 हमारा डुप्लेट होता है, ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होता है, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब ऑक्टेट बनाने पर वो करते हैं, ये हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, हम सोडियम का एग्जांपल ले, आपको देखिए एटॉमिक नंबर 20 तक याद होना चाहिए ये सबके लिए ना, एटॉमिक नंबर 20 तक आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी मतलब ये है ना कि आप मतलब इतना बेसिक क्लियर होगा तभी आप अच्छे से वो कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, फिर वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन हम लोग ऐसे याद किए थे, मतलब हमें स्कूल में पढ़ाया गया, हमें कोचिंग में पढ़ाया गया था, ह ही ली बी बी सी एन ओ एफ नी, ओके ना ना, ये हमारा सोडियम हुआ, ठीक है, मैग एल सिलिकन सिप और क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ये हम 20 तक इतना याद रखते हैं, ओके इतना आपको नहीं याद रहेगा तो आपको बाद में दिक्कत होगा, हमने ऐसे किया था मतलब ह ही ली पी बी सी एन ओ एफ नी ना मैग एल सिप्स एस आई पी एस, ठीक है, क्लोरीन आर्गन कैल्शियम अरे पोटेशियम कैल्शियम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि आपको सिर्फ अगर एटॉमिक नंबर याद है ना उससे भी नहीं होगा, आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बेसिक 20 तक तो आपको लिखना आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, ओके। तो ये चीज हमें पहले भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आपने आप इसको क्लास 8 के बुक से पढ़ सकते हैं, ओके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमें वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अब आप देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, हम सोडियम को एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसको बहुत आदत होता है हमारे लेने का, ओके सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, इसका वैलेंसी कैसे लिखेंगे, देखिए शेल होता है के शेल एल शेल एम शेल, ठीक है, हम बोलते हैं कि 2n स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये इसका n = 1 होता है, इसका n = 2 होता है, इसका n = 3 होता है, ठीक है, के एल एम ये n है, ठीक है 2 3, ओके। अब इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे ना ये वाला पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, अभी हम वैलेंसी एक्सप्लेन करने के लिए ही इसको जितना जरूरत है उतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, 2n स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमारा n इक्वल्स टू क्वांटम नंबर ये है, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1, तो अभी ये देखिए इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 इंटू 1 स्क्वायर 1, यानी इसमें 2 मैक्सिमम हो सकता है, इसमें मैक्सिमम हो सकता है 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 टू 4 टू 8 8 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए आपका यहाँ पे 11 है ना, तो हम इसको मैक्सिमम मैक्सिमम बांटे, 11 को कैसे बांटेंगे, पहले के शेल में गया इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 8 इसमें गया, 8 दूनी 10 एक बचा, एक चलिए इसमें आ गया एल शेल में m, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हुआ 2 8 1। अब देखिए ये है 2 8 1, तो इस 2 8 1 को अब देखिए इसको मन क्या है, अब देखिए डुप्लेट और ऑक्टेट हो रहा है, डुप्लेट नहीं होगा इसका, और इसका ऑक्टेट हो सकता है ना, क्योंकि क्या डुप्लेट कैसे बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे, तो ये सोचेगा कि अब इसके लिए क्या फेवरेबल है, इसके लिए आसान है भाई, हम लोग को स्टेबिलिटी चाहिए ना, हम लोग सोचते हैं कि स्टेबल हो जाए, तो ये भी चाहे ऑक्टेट या डुप्लेट बनाना ऑप्शन में है, डुप्लेट तो भाई नहीं बना सकता, ऑक्टेट में क्या बनाए, तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है इस शेल में, ये सोच रहा है भाई इसको दे देते हैं कहीं, अगर कोई लेने वाला हो तो हम इसको दे दे, हमारा अच्छा है भाई, हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और हम 2 8 बन जाएंगे, हम मस्त स्टेबल हो जाएंगे, ये पसंद कर रहा है ये बनना, तो उसी से हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, अब डिपेंड करेगा कि हमारा वैलेंसी मेटल का है कि नॉन मेटल का है, तो वैलेंसी ऑफ मेटल पहले हम देखते हैं, तो जो हमारा वैलेंसी ऑफ मेटल है ना वो है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, वही हमारा वैलेंसी है। अब देखिए अब सोडियम की, चलिए आप इतना तो समझ गए होंगे ना, भले ही आपको ये एकदम नहीं आता हो पर आप ये तो समझ गए होंगे कि एन हम कैसे निकाल रहे हैं ना, ये ऐसे वैल्यू होता है क्वांटम एन 1 2 3, तो मैक्सिमम हम देखिए हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए 2 8 1 हुआ, तो ये इतना बनना चाहता है, तो इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मन कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये देना ही चाहेगा हर हाल में, ठीक है, तो यही हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम ऑफ द मेटल, एक एटम, ये एक सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, एक सोडियम एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, एक, ठीक है, तो ये हमारा वैलेंसी हो गया, ओके। तो और वो अगर एक लॉस कर दिया, आप सोचिए कि आप दे दिए किसी को, ये आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आप सोचिए कि आपके पास आप अच्छे खासे आराम से थे, आप आपने किसी को दान कर दिया, तो अब आप तो आपके पास तो कमी हो गई, आप अगर नॉर्मल स्टेट में थे ठीक ठाक थे, आपने कहीं दे दिया कुछ, आपके पास तो कमी है,
ना। तो अब जैसे सोचिए कि आपके पास एक पेन था, आप उससे लिख रहे थे, बगल वाले के पास था नहीं, आप दे दिए उसको पेन, अब आपको तो अभी भी लिखना है, आपके पास तो कमी है। तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब डेफिशिएंसी। अब आपके पास खुद ही कमी है, अब दे तो दिए, अब आपके पास कमी है, ठीक है। तो ये हमारा वैलेंसी। अब हम इसका वैलेंसी कैसे डिनोट करते हैं, सोडियम को आप देखेंगे एन ए प्लस बोलते हैं, क्यों भाई, क्योंकि इसका प्लस वन का वैलेंसी है। प्लस वन का वैलेंसी क्यों, क्योंकि एक तो ये मेटल है और ये इतना इलेक्ट्रॉन, सोचिए एक एटम इसका इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये हमारा वैलेंसी हो गया, ठीक है। प्लस वन क्यों, क्योंकि ये भाई दे दिया, अब ये देने के बाद अपना पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कमी है, इसलिए प्लस वन। ये हमारा वैलेंसी का वो हो गया डेफिनेशन। अब चलिए इसको बुक से रीड कर लेते हैं थोड़ा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आप यहां देखेंगे कि इधर भी डेफिनेशन दिया है, आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर मतलब हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो डेफिनेशन इसके हिसाब से वेरिएबल, अरे ये वाले वैलेंस देखिए, वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम ऑफ द मेटल, मतलब एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया आपने। यहाँ देखिए पोटेशियम का भी होता है, आप सोडियम का भी देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किया तो प्लस वन वैलेंसी, ठीक है। मैग्नीशियम का देखिए, चलिए मैग्नीशियम का 12 होता है, तो उसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, तो ये तो ये इसको भी तो ऑक्टेट ही चाहिए ना। अब देखिए डुप्लेट को देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डुप्लेट हाइड्रोजन का केस है, ठीक है, इन लोगों का ऑक्टेट ही होता है, तो ये दो दे देगा, तो दो दे दिया तो क्या है एमजी टू प्लस लिखते हैं ना, इसका वैलेंसी टू प्लस है, तो मतलब कि वो हो गया सीधे सीधे कि वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम ऑफ द मेटल, ओके। अब नॉन मेटल की बात करें तो वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड पर एटम ऑफ द नॉन मेटल। चलिए समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को भी। अब देखिए कैसे होगा, नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्लोरीन 17, 17 को लिख सकते हैं 287, इसको भी ऑक्टेट चाहिए। अब ये देखिए इसके लिए देना तो फिजिबल नहीं है भाई, अब ये सोचिए आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए ना, सात देने से अच्छा भाई एक लेके आठ बना लो, अगर आप हमको आठ बनाना है कैसे भी, तो बहुत कॉमन मैथमेटिक्स है, हमको आठ चाहिए भैया। अब हमको आउटर मोस्ट में आठ चाहिए, हमें मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे आठ हुआ तो ये आउटर मोस्ट होगा, ठीक है। अब सात हम देंगे एक एक करके तो बहुत मतलब मुश्किल है ना सात को देना, इससे अच्छा एक ले लो, बस एक ले लो, ये क्लोरीन क्या होगा एक ले लेगा और ये बनेगा सीएल माइनस, ठीक है। तो ये हमारा इसका वैलेंसी होगा माइनस वन, क्यों, क्योंकि ये ले रहा है, वो दे रहा था ये ले रहा है, तो माइनस वन। अब देखिए और नॉन मेटल है ये हमारा क्लोरीन, अब आप देखिए वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम ऑफ द नॉन मेटल, मतलब वो उसका एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसने भाई क्लोरीन ने कितना किया एक किया, तो उसको यूनिवेलेंट कहेंगे। आप उससे ही समझ, और आपको ना मतलब आप पढ़ेंगे भी आगे क्लास 10th में भी पढ़ेंगे कि आप किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के समझ जाएंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। जिसको देखिए देने की टेंडेंसी है ना, जिसको मन करेगा कि वो दे दो वो मेटल होता है, जिसको लेने की टेंडेंसी हो वो नॉन मेटल होता है, इतना इतना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो जी 281 है, इसको देखिए क्या आपको समझना है, आपको समझना नहीं कि सोडियम है क्लोरीन है, जिसको देना है आप जिसको देखिए इसको अगर आठ करना है तो ये दे देगा आराम से, तो ये हमारा मेटल हो जाएगा, ठीक है। अगर 287 है तो भाई इसके लिए आसान है लेना, तो ये एक ठो ले लेगा तो ये हमारा नॉन मेटल हो जाएगा, तो ये हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, ओके। और इसका दूसरा वाला डेफिनेशन आप देख सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा आपको इसी वाले डेफिनेशन से समझ में आएगा, ये वाला डेफिनेशन है, वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर एटम ऑफ द मेटल। आप इसको एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं, वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम ऑफ द नॉन मेटल, ओके।